हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में, क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, क्या यहाँ पे सिर्फ इसको रहने वाला कट ऑफ क्या रह सकती है 2022 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके आरआरसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सब लोग पता है कि जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आपका 17 तारीख से, और अगर हम बात करें फेज़ टू का जो एग्ज़ाम है आपका वो यहाँ पर 26 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों आप सब लोग के लिए सेफ स्कोर क्या क्या रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट है इनका एग्ज़ाम यहाँ पर हो चुका है, उनके द्वारा बताया गया है कि पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं क्या लेवल यहाँ पे आ रहा है आपके एग्ज़ाम का, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन से वो यहाँ पे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम के लेवल का, तो एग्ज़ाम का लेवल आपका यहाँ पर मॉडरेट लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम आ रहा है। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस के कई क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पर हार्ड है जो पूछे जा रहे हैं, और अगर हम बात करें आपका मैथ्स और रीजनिंग का लेवल भी यहाँ पर अच्छा खासा है, जिसमें अगर हम मैथ्स में बात करें तो लगभग लगभग स्टूडेंट है जो 18 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 मॉडरेट क्वेश्चन है, और लगभग लगभग जो बाकी बचे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन के करीब आपके वो पे यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है। तो लगभग 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैथ के, 30 रीजनिंग के, और बात करें तो यहाँ पे 25 साइंस के और 20 यहाँ पे जीके के क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग के लिए जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पे क्या रह सकता है 2022 के अंदर, 2018 की कट ऑफ आप सब लोगों ने देख ली, जहाँ लगभग 1 करोड़ 65 लाख फॉर्म आए थे, और वो इस बार यहाँ पे लगभग 1 करोड़ 15 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म आए। तो बात करें दोस्तों आप सब लोगों के लिए इस बार जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पे क्या रह सकता है, दोस्तों काफ़ी फैक्टर्स है, कई सारे यहाँ पे जोन्स है, तो इसलिए हम कुछ कट ऑफ का वेरिएशन यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों ये आपके रॉ मार्क्स के अनुसार होगी जो आपके यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले बात करें यूआर कैंडिडेट्स के लिए, तो लगभग लगभग 67 से 72 के आसपास आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, और दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग लगभग 66 से 70 के आसपास ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ रहने वाली है। एससी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो लगभग लगभग 58 से 62 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो लगभग 54 से 58 के आसपास जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो कई जोन्स की जैसे कम कट ऑफ रहती है वहाँ पे 54 रह सकती है, तो लगभग इस बार अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले जो कट ऑफ है वो यहाँ पे डाउन रहने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी लेट समय के बाद हो रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स से जो जिनके अच्छे नंबर आते थे उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे इस दौरान जो है सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कई सारी जो भर्तियाँ हैं स्टेट गवर्नमेंट की वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम बात करें CGL CHSL CPO कई स्टेट UPSI हो गया आपका, RRC ग्रुप डी जो 2018 की थी, ALP टेक्नीशियन JEE और NTPC के अंदर है जो भर्ती प्रक्रिया आपके यहाँ पे चालू है, तो इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कम रहने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस है। तो इसीलिए जो कट ऑफ हमने बताई लगभग लगभग आपकी जो कट ऑफ है इसी के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपका कोई भी डाउट है ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।